नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। राहु और केतु ने 7 मार्च से कई राशियों में परिवर्तन किया है। आखिर किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा, हमें जानकारी लेते हैं विश्व के जाने माने आचार्य दीपक शर्मा द्वाईवालों से, जो हमारे साथ हैं। दीपक शर्मा से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी राशियों में राहु और केतु का प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या उसका इम्पैक्ट जीवन में देखने को मिल सकता है। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, 7 मार्च से राहु और केतु, इनकी दशा जो है परिवर्तित हुई है, किन किन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी और किस तरह का जो है चुनावों में इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? राहु केतु दोनों, पहली बात तो बकरी है, बकरी चलते हैं हमेशा, इनकी चाल हमेशा बकरी रहती है और छाया ग्रह है, इनको उपग्रह भी कहते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि में हुआ है और केतु का गोचर धनु राशि में। लग्न में आकर राहु जो है उम्र को कम करता है, लोगों का मानना यह है, लेकिन मेरा मानना है कि जब 7वीं दृष्टि से उसे केतु देख रहा है और गोचर में बाकी की बृहस्पति की दृष्टि अगर किसी की है और राहु क्योंकि वक्री है और हमेशा वक्री ही चलते हैं, तो मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि राहु जो है चिरायु आयु को कम करते हैं। मेरे हिसाब से आयु अकस्मात फल देते हैं और आपके सिर में चोट लगने की संभावना बनी रहती है। जब राहु, अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की, कर्क लग्न की हम बात करते हैं तो राहु जो है उसके द्वादश भाव में चले जाते हैं, नींद में कमी, विदेश यात्राएं, अब कुछ नया ऐसा काम जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो, बाईं आंख की रोशनी दाईं आंख से कम हो जाना, बालों का झड़ना, ये आपको देगा। और हो सकता है कि आपके पैरों में, तलवे में चोट लग जाए, आपको मोच आ जाए या आपको कोई ऐसा जहरीला जानवर काट ले जिसकी वजह से आपको सेफ्टी होने की संभावना हो, ख्याल रखा जाएगा। राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम देखें तो सिंह लग्न की हम बात करें तो राहु इनके लिए एक बहुत ही योग कारक बन के आ रहा है। ऐसा आदमी अपने सारे के सारे जितने भी पुराने काम हैं जो रुके हुए हैं उनको पूरा करेगा। हालांकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु के शत्रु, राहु केतु के शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही वो थे जिन्होंने राहु को पहचाना था अमृत बंधन के समय अमृत पीते पे। लेकिन जो पोजीशन है एकादश भाव में सिंह लग्न वालों के लिए, राहु वहां पर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए व्यवसाय में चेंज, नया व्यवसाय, हाथ में अकस्मात धन, नौकरी में पदोन्नति। लेकिन अगर लग्न वीक है, दशम भाव का दशमेश अगर वीक है या वक्री है, तो हो सकता है पदावनति और नौकरी छूट जाना। जो अगर नौकरी छूट गई तो 16 महीने तक कोई भी आपको नौकरी सिवाय बृहस्पति देव के और बुद्ध महाराज के नहीं दिला पाएगा। फिर हम बात करते हैं तुला वालों की। अगर तुला लग्न की हम बात करें तो राहु उनके लिए एक नई चीजें लेके आया है, एक नई उम्मीद लेके आया है। ऐसे आदमी को अचानक ही व्यवसाय में फायदा और शुगर होने की संभावना, क्योंकि शुक्र की भी पोजिशन आपको इसमें देखनी पड़ेगी, लग्न भी देखनी पड़ेगी। और हो सकता है जिसकी तुला लग्न और तुला राशि हो उसके लिए एक अलग गोचर है। बहुत सारी चीजें इसमें इम्पैक्ट करती हैं, हम जो आपको बता रहे हैं एक जनरल प्रिडिक्शन दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी कुंडली को पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि उसकी दिशा कहाँ है, स्थान काल क्या है, कहाँ पैदा हुआ, किस कौन से देश में हुआ, तो हर आदमी के लिए अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन एक अगर जनरल प्रिडिक्शन में देखा जाए, हम उसकी बातें कर रहे हैं, तो तुला लग्न वालों के लिए नए व्यवसाय में, नए लोगों से मिलना, महिलाओं का साथ, प्लान ना करें, अनप्लान काम जल्दी होंगे। अगर शुक्र की दिशा चल रही है तो बहुत फलकारी है, बुध की चल रही है तो और शुभ है। अगर माना सूर्य की दिशा चल रही है और राहु का गोचर चल रहा है और राहु जो है फिर आपको इतना लाभकारी उसमें नहीं हो पाएगा। दशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, महादशा, ये सारी जो दशाएं हैं ये भी उसमें बहुत बड़ा असर डालेंगी। तो हम जो बेसिक उसका रिजल्ट मिलने वाला है हम आपको वो बता रहे हैं।
वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की हम बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु एक नई उम्मीदें लेके आ रहा है। उनके मन में कोई भी जो प्लानिंग बनी हुई है उसको लेके आ रहा है, क्योंकि राहु के मंगल की, राहु जो है वो काम करता है शनि की तरह और वृश्चिक है मंगल की राशि, केतु काम करता है शनि की तरह, गोचर कर रहे हैं धनु में। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में जाएंगे तो आपको जो फल बताए गए हैं कि राहु अगर इस स्थान में खराब है तो आप देखेंगे कि उसके सातवें स्थान में केतु की पोजीशन बहुत अच्छी बताई गई है। जैसे अगर किसी का राहु तीसरे स्थान में बैठा हुआ है और सातवें स्थान, नौवें स्थान में, नौवें स्थान में आपका केतु बैठ गया, सपोज कल्पना कीजिए कि धनु लग्न है, तीसरे में आपका बैठ गया जाके राहु, शनि की राशि में राहु बैठ गया, साहस देगा, पराक्रम देगा, सब कुछ देगा, और नौवें में जो कि सिंह राशि है उसमें बैठ गया केतु। अब यहां पर आके ज्योतिष फेल हो गई लोगों की, क्योंकि नवम भाव में केतु आदमी को अध्यात्म ले जाता है, और यही कुंडली में अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ तो पंचम से पंचम केतु हो गया तो आदमी को गुप्त विद्याएं, धर्म की ओर बढ़ाना, ये सारी चीजें वो देगा। तो इन सब चीजों, मेरे बताने का मतलब ये है कि ये सब चीजें हम बात जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें जो है कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। राहु जब आपका धनु में आएगा तो धनु में आने के साथ में भाग्योदय करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक हो गया, मैं धनु लग्न की बात कर रहा हूं, भाग्य स्थान का मालिक हो गया, नए आपको नए अवसर देगा, हो सकता है अकस्मात विदेश यात्राएं करा दे, समुद्र के किनारे घुमा दे, अच्छे अच्छे संतों से मिलवा दे, क्योंकि राहु को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राहु की आप प्लानिंग नहीं बता सकते, राहु किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। शनि की राशि में, मकर राशि में गोचर राहु का आपको शुरू के 6 महीने परेशान करेगा, बाकी के 18-12 महीने आपके लिए बहुत सुखकारी है, बहुत ही अच्छा है। 11वें स्थान में राहु मतलब कुंभ राशि के अंदर आपके बहुत सुफल देने वाला है। आखिरी के 3 महीने मतलब कि 7 मार्च 2019 से 16 महीने आपके बहुत अच्छे रहेंगे, 1 महीना आपका अनस्टेबलाइज रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, 2 महीने जो आपका संधि का होगा, जो चेंज करने का होगा, उसमें आपको राहु परेशान करेगा। मीन राशि, मीन राशि का वही फल मिलेगा जो कि आपको धनु में मिलेगा, मतलब मंदिरों में जाना, साधु संत इनसे मिलना, तीर्थ यात्राएं कराना, और उसके बाद में आपकी नींदें थोड़ी कम कर देना, ये राहु आपके लिए करेगा। आपको क्या करना है, आपको भगवान शंकर इनका जो है आपने कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए वो पढ़ना है, हनुमान चालीसा के साथ में बजरंग बाण का पाठ स्वास्वर करना है, मतलब आवाज देके करना है, क्योंकि हनुमान चालीसा अगर आप जो है आवाज देके पढ़ते हैं तो तंत्र की तरह काम करता है, और मन ही मन में पढ़ते हैं तो मंत्र की तरह काम करता है। अगर आप मंत्र की मन में पढ़ेंगे तो फल भी भगवान मन में ही देगा, गृह मन में ही रखेंगे, बोल के मांगेंगे तो बोल के मिलेगा। अगर आपको भूख लग रही है तो आप जब बोलेंगे नहीं मुझे खाना चाहिए तो आपको खाना निकला नहीं आएगा, आपकी बात आगे तक पहुंचनी चाहिए। और हनुमान जी ही एक ऐसे, भगवान शंकर का ही रूप है, एक ऐसे देवता हैं जो कि किसी भी ग्रह को, किसी भी बुरी चीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात हम केतु की करें तो केतु के जो हमने फल राहु में बताए हैं, अब केतु के फल अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो जस्ट उल्टे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लग्न में एक जगह राहु है वो बुरा कर रहा है और तो केतु अच्छा कर लेगा, कुंडली में तो राहु केतु सातवें ही है ना एक दूसरे से, तो नहीं कर सकते। तो इसका बड़ा बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसका आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर आपकी लग्न के प्रथम भाव में, जैसे आपका मेष लग्न की अब बात करेंगे, वहां से केतु जो है नवम का हो गया मंगल का, तो आदमी को आध्यात्मिक बनाएगा। मेरे हिसाब से, मैं वैदिक ज्योति की और उन लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं जो कि मैं किताबों से हट के बात कर रहा हूं, इसमें दूसरी बात होती है कि डिग्री, आपके जन्म के समय राहु केतु की डिग्री क्या है। माना आपका 28 डिग्री का राहु केतु है, 27 डिग्री का है, तो आपको फल कब मिलेंगे, 18 महीने
की पीरियड है, 30 डिग्री उनकी लाइफ है। आप 30 डिग्री को 18 महीने से कैलकुलेट कर लीजिए, जो आता है उसको हर महीना समझ के निकाल दीजिए। मतलब 30 डिग्री का आपने 18 हिस्से करने हैं और अपनी डिग्री कैलकुलेट करनी है। जब गोचर करता हुआ राहु उस डिग्री पर पहुंचेगा तब आपको फल मिलेगा, और जितना दूर होता चला जाएगा उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा फिर भी आपको समझाना है कि सिर्फ दो ग्रहों के गोचर से किसी भी बात पे निष्कर्ष पे ना पहुंचे, क्योंकि इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। बृहस्पति वृश्चिक में चल रहे हैं, शनि धनु में चल रहे हैं, और जो ग्रह इसमें भी एक बात है कि जो ग्रह नॉर्मल चल रहे हैं, जो सीधे हैं, वो तो अपना फल देंगे। माना कोई ग्रह कुंडलियों वक्री है, अस्त है, तो उसका फल थोड़ा अलग हो जाएगा। दिव्य जी बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने हमारे दर्शकों को राहु और केतु के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी कि किस किस राशि के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या फायदे हो सकते हैं और वो क्या क्या फायदे ले सकते हैं इन ग्रहों के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत काफी पसंद आएगा ये आज का कार्यक्रम, और मुझे उम्मीद है अगर कोई मिलना भी चाहेगा तो आप जो है दीपक शर्मा दुबई वाले अगर गूगल में भी डालेंगे तो आपको इनका नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे इसी वेबसाइट पर इनका नाम और नंबर साफ तौर से दे रखा है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।